शोभा बोरवाल क्रिएशंस में आज हम देखेंगे कि किचन में जो चिमनी लगी रहती है वह कैसे साफ की जाती है। साल डेढ़ साल में हमें इस चिमनी को साफ बाहर से करवाना पड़ता है। चिमनी की सफाई हमें महंगी भी पड़ती है। अगर हम जरा सा प्रयत्न करें तो घर में हम बहुत ही मामूली सी चीजों से हम इसे अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। जब भी हम कोई चीज बॉयल करते हैं तो वेपर के रूप में वह जा करके हमारी चिमनी में जम जाती है। चिमनी की जो जाली होती है वह उस पर धीरे धीरे जमने लगती है। कुछ हिस्सा तो वेपर कर उड़ जाता है और कुछ जमा रह जाता है। इस चिमनी की जाली हमने खोल दी है क्योंकि वह इतनी चिकट तेल से भर गई थी कि उसमें से कभी कभी बूंद बूंद नीचे टपकता था, जिससे हमें डर लगता था कि खाने में अगर वह गंदा तेल गिर जाएगा तो वह हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। चिमनी को खोलने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर एक जाली होती है, उसे हम खोल देते हैं। उस जाली को वह कवर होता है एक तरह से चिमनी का। ये चिमनी की जाली हमने हटा दी है और इसके ये जो दो फैंस हैं इन्हें हमने थोड़ा केरोसिन एक टूथब्रश में लगाकर और एक कपड़े की सहायता से ऐसे ऊपर ऊपर से साफ कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से हम उतना साफ नहीं कर सके हैं जैसे मैकेनिक्स करते हैं। ये जो पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, देखिए इसे आप मत खोलिएगा क्योंकि इसके अंदर तीन चार तार होते हैं। अगर कोई भी तार गलती से जुड़ जाए किसी गलत जगह पर तो आप देखेंगे शॉर्ट सर्किट वगैरह भी हो सकता है, इसलिए इस तार को न छेड़ें। सिर्फ हम जो भी सफाई करेंगे वह चिमनी के ऊपर ऊपर से करेंगे और जो जाली में तेल भर गया है उसे हम क्लीन करेंगे। ये हमारी चिमनी का जाली वाला कवर है, देखिए तेल से बिल्कुल ही गंदा हो गया है ये और इसके हर पार्ट में तेल जमा हुआ है और इसे साफ करना एक मुश्किल काम है। ये साफ पार्ट है इसका और इसे हमने साफ किया है। कल इसको साफ करने में 3.5 से 4 घंटे लग गए, लेकिन आज मिनटों में हम इस पार्ट को कैसे साफ करेंगे यह हम देखेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है जो हमारे किचन में मौजूद रहती है। एक तो है ये कुकिंग सोडा, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, और एक है व्हाइट विनेगर, यह भी आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं। इन दो चीजों से हम मिनटों में कैसे चिमनी के कवर को साफ करेंगे यह हम देखेंगे। सबसे पहले हम कुकिंग सोडा लेंगे और इसके हर रेलिंग में सोडे को डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इस सोडे को इसमें फैला देंगे। इस तरह से इसके हर गंदे पार्ट पर इस कुकिंग सोडे को हम डाल देंगे। आप देखेंगे कैसे मिनटों में ये सफाई हो जाती है। सोडा और विनेगर दोनों मिलकर जो भी इसका ग्रीस है और चिकनी सतह है इसकी, इसको सब साफ कर देंगे। इस तरह से इसको फैला देंगे, लेकिन सोडा और विनेगर डालते समय आपको किसी भी तरह की कोई कंजूसी नहीं करनी है। ये देखिए ये हमने पूरा फैला दिया। अब हम इस पर विनेगर डालेंगे। देखिए विनेगर डालते ही क्या रिएक्शन होता है, देखिए विनेगर डालते ही ये सारी गंदगी सोडे के साथ में ऊपर आती जा रही है। और इसके अंदर का सारा ग्रीस सोडा और विनेगर मिलकर छूटता जा रहा है, देखिए ये निकलता जा रहा है। इसे अब हम 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं कितना ग्रीस बाहर निकल रहा है। एक टूथब्रश लेंगे हम पुराना और उससे हम इसे घस के देखेंगे। ये देखिए देखिए ये इस तरह से साफ हो रहा है। देखा आपने किस तरह से ये ग्रीस निकल रहा है। अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी साफ करने के लिए। आप टूथब्रश से घस के निकाल लीजिए या इस तरह से पेपर का पीस रख लिया और इसे हम इस तरह से एक चाकू या चम्मच की डंडी से इस पेपर के टुकड़े को पकड़ कर भी अगर हम घस के साफ करेंगे तो ये सारा ग्रीस देखिए छूट करके निकल जा रहा है इस तरह से। ये देखिए ग्रीस पूरा इजीली साफ हो जा रहा है। अब इसे साफ करने के लिए हम टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीसेस ले लेंगे। कागज के जो भी पीसेस आप साफ करने के लिए लेंगे वो थोड़े छोटे साइज के लीजिए, जिसे क्लीन करने में सुविधा होती है। ये देखिए इस तरह से इसकी सारी गंदगी छूटने लगी है। ये देखिए देखिए क्लीन हो गया। ये देखिए इस तरह से ये साफ हो रहा है।
इस तरह से आप देखेंगे हमारी रेलिंग पूरी साफ हो रही है। अगर बहुत ज्यादा चिकट हो तो सफाई करने के बाद आप दोबारा विनेगर और खाने का सोडा इसमें डाल सकते। जिस स्पेस पर गंदगी रह गई हो छोटे छोटे कपड़े के पीसेस लेकर के भी आप इसे क्लीन कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एक छोटे से टिश्यू पेपर को लेकर आप देखिए कितनी आसानी से ये ग्रीस साफ हो जा रहा है। इस तरह से आप इसकी हर रेलिंग को साफ कर लेंगे और जो भी गंदगी है वो इस पेपर में आ जाएगी। फिर इसी तरह से दूसरा पीस लेंगे हम और दूसरी रेलिंग इससे साफ करेंगे। कितना इजीली सारी गंदगी हट जा रही है। और दूसरा तरीका है आप एक पालतू टूथब्रश लेकर इसे इस तरह से घस लीजिए। इसमें भी एक पेपर लगा दीजिए। इस तरीके से आप पूरी चिमनी को साफ कर सकते हैं। जहाँ ज्यादा ग्रीस है वहाँ पे हम थोड़ा और विनेगर डाल देते हैं। देखिए अभी तक सोडे का असर है। तो छोटा सा पेपर का पीस लेकर आप टूथब्रश से या किसी भी चीज से इसे घस सकते हैं। देखिए इतना इजीली क्लीन हो रहा है। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस पेपर के रखकर हम इसे थोड़ा रब करेंगे तो ये देखिए कितना इजीली पूरी रेलिंग जो है वो क्लीन हो जा रही है। इस तरह से आप सोच सकते हैं टिश्यू पेपर से हम इस तरह से क्लीन कर सकते हैं ग्रीस को। देखिए टिश्यू पेपर से ये कितना क्लीन हो गया ये रेलिंग। थोड़ा ग्रीस साफ करके मैंने आपको दिखा दिया। अब ये सारे पार्ट साफ करके मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इजीली ये साफ हो गए हैं। इसी तरह से आप पेपर या किसी कपड़े की मदद से या टूथब्रश से कैसे भी जैसे भी आपको सुविधा होती है आप उस तरह से इसको साफ कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी तरह से जैसे आपको सुविधा होती है आप साफ कर सकते हैं। सोडा और विनेगर दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं और किसी भी तरह की कोई भी गंदगी होती है उसे खींच लेते हैं। किचन में किसी भी तरह की कोई चिकनाई है या कोई भी चिकट बना है आप उसे विनेगर और सोडे की मदद से साफ कर सकते हैं। अब इसका बाकी का पार्ट साफ करके मैं आपको दिखलाती हूँ। व्हाइट विनेगर और खाने के सोडे से क्लीन करने के बाद जाली को हमने साफ साबुन और पानी से धो दिया है और जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत गंदगी बची हुई है उसे हम इस कपड़े से साफ कर रहे हैं। कपड़े में हमने थोड़ा सा केरोसिन लगाया है और अब जहाँ थोड़ी बहुत गंदगी बची है उसे हम क्लीन कर लेंगे। चिमनी के सारे पार्ट्स क्लीन करने के बाद हमने जिस तरह से पार्ट्स को खोला था उन्हें हम अटैच कर देंगे। हर तरह की चिमनी में जो कवर होता है अलग अलग तरह का होता है। आप जो पार्ट जिस तरह से खोलेंगे उसे उसी तरह से क्लीन करने के बाद अटैच कर देना। चिमनी में अंदर जो फैन होते हैं उस पर ये कार्बन फिल्टर्स लगे रहते हैं। उन्हें ऐसे ही कपड़े में केरोसिन लगाकर ऊपर से हम पोंछ देते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई नुकीली चीज डालने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरह के होते हैं। ये पार्ट सारी चिमनियों में नहीं होता है। अगर आपकी चिमनी में हो तो आप इस पार्ट को ज्यादा छेड़छाड़ ना करें, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही क्लीन कर लें इसे। हमारी चिमनी ऑटो क्लीन चिमनी है। ये फिल्टर्स लगे हुए हैं। इन फिल्टर्स को ये जो ब्लैक राउंड दो पार्ट्स दिख रहे हैं ये चलनी जैसे हैं। इन्हें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ एक कपड़े में थोड़ा सा केरोसिन डिप करके इन्हें साफ कर लेना है, ऊपर ऊपर से पोंछ देना है। चिमनी के हमारे सारे पार्ट्स क्लीन हो गए हैं। अब हम इन्हें रीफिटिंग कर देंगे। इस तरह से फिल्टर को फैन पर फिक्स कर देंगे और जाली वाला कवर हम लगा देंगे। क्लीन होकर हमारी चिमनी बिल्कुल तैयार हो गई है। आपने देखा सोडे और सिरके की वजह से हमारी चिमनी इजीली क्लीन हो गई। चिमनी को क्लीन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसके जो भी पार्ट्स आप खोलते हैं सावधानी से खोलें और क्लीन करने के बाद जिन हिस्सों को हम डिटर्जेंट और पानी से धो सकते हैं उसे हम साफ कर लें और रीफिटिंग एज यूजुअल जैसे होती है वैसे ही कर दें। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। यह है एब्सोल्युटली फ्री है। धन्यवाद।